हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ हिमालय टैन रिमूवल ऑरेंज फेस वॉश का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं आज आपके साथ इस प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, विच इज़ हिमालय टैन रिमूवल ऑरेंज फेस वॉश, वॉशेज अवे टैन। ये कुछ इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हिमालय के ऑलमोस्ट फेस वॉशेस का रेंज कुछ इसी तरीके से आता है, या फिर वो पम्प बॉटल आती है। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट। एंड ये ऑरेंज कलर का इसमें बना हुआ है साइन। इसमें मेनली जो है दो इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं, ऑरेंज पील एंड हनी। दोनों ही टैनिंग के लिए बहुत अच्छा वर्क करते हैं। सो मैं ये कह सकती हूँ कि इसमें हर्बल इंग्रेडिएंट मिक्स किए गए हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है आपकी स्किन को टैन को रिमूव करने में। अब इसकी प्राइस की बात कर लूँ तो 130 रुपीज़ इसका प्राइस है। 100 ml का प्रोडक्ट है, विच इज़ वेरी गुड। आप अगर टीनेजर हैं तो भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसका टेक्सचर ऑरेंज कलर का है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। और जो बचपन में हम ऑरेंज वाली कैंडी खाते थे, बिल्कुल ये फ्रेग्रेंस इनकी बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके से है। इनफैक्ट मैं तो जब भी इसको निकालती हूँ, मुझे ऐसा फील आता है कि बस मैं इसको खा लूँ। सो गाइज, अब मैं बात करूँ अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो मैं इसको 3 वीक्स से यूज़ कर रही हूँ रेगुलर बेसिस पे। इसको यूज़ करने के बाद स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होती है, आपकी स्किन को वेल मॉइस्चराइज करता है, जैसा कि इसमें क्लेम भी किया गया है, क्योंकि इसमें हनी मिक्स है। सो बिल्कुल भी स्किन को ड्राई नहीं करता है, बिल्कुल फील नहीं होता है कि इसको यूज़ करने के बाद कि आप कुछ और अप्लाई करो फेस पे, विच इज़ वेरी गुड। अगर आपको ऐसे ही फेस वॉशेज यूज़ करने चाहिए जो आपकी स्किन को ड्राई ना करें। साथ ही साथ इसमें बहुत ज़्यादा लेदर भी क्रिएट नहीं होता है, आपको ज़बरदस्ती करना पड़ता है पानी लगा लगा के, अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी लेदर क्रिएट नहीं करता है। बहुत ही नॉर्मल सा, मतलब आपके फेस पे लेदर क्रिएट होता है। सो बहुत ज़्यादा लेदर ये नहीं क्रिएट करता है। आई थिंक मोस्टली जो भी हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ये क्वालिटी ज़रूर होती है। हिमालय के नीम फेस वॉश और एलोवेरा फेस वॉश एंड दिस फेस वॉश, तीनों ही फेस वॉश में मुझे ये चीज़ देखने को मिली कि आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता है और बहुत ज़्यादा लेदर नहीं क्रिएट करता है। और इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात करूँ तो बेसिक इसमें यही दो इंग्रेडिएंट मिक्स किए गए हैं, ऑरेंज पील एंड हनी। इसके अलावा आपका है ग्लिसरीन एंड बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि सिट्रिक एसिड, एक्वा ग्लिसरीन। सो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो इस प्रोडक्ट में मिक्स किया गया है वो ऑरेंज पील और हनी, तो दोनों ही टैनिंग को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। सो गाइज, हम कोई भी जब DIY यूज़ करते हैं तो उसको अपने फेस पे हम कुछ देर लगा रहने देते हैं, तभी वो इफेक्टिवली वर्क कर पाता है। लेकिन अगर हम फेस वॉश इस तरीके से यूज़ करते हैं कि बस 5 मिनट मसाज किया और फेस को क्लीन कर दिया, तो आई डोंट थिंक सो कि आपके टैन को रिमूव करने में इफेक्टिव होगा। लेकिन अगर आप इसको अपने फेस पैक में मिक्स करके अप्लाई करते हैं, या फिर अपने फेस पे इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, तो डेफिनेटली आपके टैन को रिमूव करने में इफ़ेक्टिव है और आपको धीरे धीरे इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आई थिंक 1 से 1.5 महीने में ये आपके टैनिंग को, आपको इफेक्ट दिखना एक्चुअली शुरू होगा, आपके टैन को ये कम करना शुरू कर देगा। और टैनिंग रिमूव करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि आपको ये गोरा कर देगा। आपकी जो एक्चुअल स्किन का कलर होता है वो फेड हो जाता है ड्यू टू सन रेज, जैसे कि हम कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं धूप में, या फिर हम सनस्क्रीन का यूज़ नहीं करते, घर पर भी रहते हैं तो भी हम सनस्क्रीन का यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे स्किन पर एक टैनिंग की परत चढ़ जाती है जो कि बहुत ही लाइट होती है। और उसको आप जो भी विटामिन सी वाले फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट होते हैं, दही होता है, संतरा होता है, पपीता होता है, ये सब काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं आपकी स्किन के टैनिंग को दूर करने में। तो वैसे ही कुछ हर्बल इंग्रेडिएंट मिक्स किए गए हैं इसमें, जो कि आपके टैनिंग को रिमूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सो गाइज, ये इसमें ये क्लेम है कि इफेक्टिवली क्लिनजेस विजिबली रिड्यूस टैन। सो आपको विजिबली रिड्यूस करता हुआ टैन दिखेगा। हालाँकि मैं 3 वीक्स से यूज़ करी, मुझे बहुत ही लाइटली डिफरेंस दिखा है। हालांकि मैं इसको फेस पैक में मिक्स करके यूज़ करती हूँ, सो ये डेफिनेटली वर्क करेगा क्योंकि इसमें हर्बल इंग्रेडिएंट मिक्स है। लेकिन कोई भी हम हर्बल या DIY चीज़ें यूज़ करते हैं ना, तो उसका इफेक्ट दिखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मुझे लगता है 1 से 1.5 महीने में आपको उसका विजिबल रिजल्ट ज़रूर दिखेगा। और अगर आप टीनेजर हैं, कॉलेज गोइंग हैं, तो भी आप इस प्रोडक्ट को ईजिली परचेज़ कर सकती हैं और यूज़ कर सकती हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट जो है वो ओके है। 100% ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। हिमालय एक वेल नोन ब्रांड है, सो इसके बारे में तो और कुछ बताना है ही नहीं। मैंने इस बात कर ली इसके क्वालिटी की, इंग्रेडिएंट की, वो सारी चीज़ें मैंने आप सबके साथ डिस्कस कर ली कि मेरा क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, ये भी मैंने आपको बता दिया। प्राइस, पैकेजिंग, एवरीथिंग इज़ गुड। अगर आप टैनिंग की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिए। आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आएगा।
ये था मेरा रिव्यू आज का अबाउट दिस प्रोडक्ट. आई होप यू ऑल लाइक इट. इफ़ यू लाइक माई वीडियो दैन प्लीज़ हिट द लाइक बटन. और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. और हाँ गाइज, मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए और वहाँ पर मैं आपको प्रोडक्ट के छोटे मोटे से रिव्यूज़ बताती रहती हूँ. सो गाइज, चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.